अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और रमज़ान कैसा जा रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह, आज 8वां रोज़ा भी हो गया है और पता भी नहीं चला, यानी पहला अशरा ख़त्म होने को आ गया है। तो ऐसे ही मतलब रमज़ान भी गुजर जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, पहले जो है वो दिनों में बहुत बरकत होती थी, और एक दिन भी मतलब जब हम छोटे थे ना, तो बड़ा हफ्ता जो है वो वीकेंड मतलब बहुत लेट आता था। अब तो वीकेंड ऐसे चुटकियों में। अच्छा, आज मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। आज थी मेरी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर, लेकिन मैं नहीं जा सकी क्योंकि घर में थी मेरी अफ्तारी, और मेरी कॉलेज फ्रेंड थी वो, बल्कि मुझसे नाराज़ भी हो गई हैं। तो देखें वो मानती हैं कि नहीं मानती। मैं हूँ आज बहुत ज़्यादा सैड, क्योंकि हमारे मुल्की हालात जो चल रहे हैं उसमें मतलब मैं सपोर्ट करती हूँ पीटीआई को, और आज इमरान खान साहब को उतार दिया गया है। तो मसला ये नहीं है कि वो उतर गए, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन दुख इस चीज़ का हुआ कि देखे पीटीआई में इतना दमखम था कि उसे उतारने के लिए सब पार्टीज़ जो है वो मिल गई और उन्होंने मिल के उतारा उन्हें। तो आज है जी अफ्तारी मेरे घर, तो उसकी मैं कर रही हूँ तैयारी। तो वैसे दिल तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन काम तो करने थे। तो यहाँ पे जी मैं बनाने जा रही थी कढ़ाई गोश्त, और साथ ये मैंने आलू उबालने के लिए रखे हुए थे चाट के लिए। तो बस जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो वैसे जब इंसान का मूड अच्छा ना हो तो खाना भी अच्छा नहीं बनता। तो खैर, मैं खाना बनाने तो खड़ी हो ही गई थी, अब काम तो करने थे, रोज़ा था, अफ्तारी भी थी आज घर पे, तो वो तो काम करने थे। और सफाई वगैरह मैंने सुबह ही कर ली थी, और मेरा बेडरूम भी बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। बस पिलो वगैरह इधर उधर पड़े हुए हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड लेटे हुए थे बेड पे, तो ये जब वो लोग आएंगे तो ये भी सेट वेट कर देंगे। तो यहाँ पे जी बर्तन भी मैंने सारे निकाल लिए हैं धो के, तो मैंने रख दिए हैं ताकि जब गेस्ट आएँ तो बस दस्तखान लगाएं और जल्दी जल्दी काम हो जाए। और यहाँ पे मैंने ये वाइट चनों की चाट रेडी कर ली है, इसमें मैंने पकौड़ियाँ भी ऐड कर दी हैं, चाट मसाला ऐड कर दिया, और जो भी मतलब इंग्रेडिएंट्स होते हैं मतलब जो इसके लवाजमात होते हैं वो सब कुछ डाल दिया। और अब इसमें हम डाल लेते हैं आलू। तो आलू जो है वो मैंने इकट्ठे बॉयल कर लिए थे, और मैं दो टाइप की चाट बना रही थी, आधे आलू मैंने इसमें ऐड कर दिया और आधे जो है वो मैंने काले चनों की चाट के लिए रख दिए हैं। मतलब मैं कटिंग जो है वो मैंने दिन में ही कर ली थी, ताकि कटिंग का काम जो होता है ना वो रमज़ान में बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर कटिंग का काम हो जाए तो फिर जो चीज़ों के असेंबल करना होता है वो तो फ़ौरन फ़ौरन से हो जाता है। तो ये जो आलू बच गए हैं ये मेरी दूसरी चाट के लिए हैं, वो आपको पता ही है कि मैं जब उसे फ्राई करूँगी, सोते करूँगी ब्लैक चनों को, तो फिर उसमें ये डाल दूंगी। तो यहाँ पे आधे टमाटर जो है वो और हरी मिर्चें मैंने इस चाट में डाल दी हैं, और आधे टमाटर और हरी मिर्चें मैंने दूसरी चाट के लिए रखी हुई हैं। फैट लगाए, ये किसका तो आया, किसका तो आया, ये ग्लासेस भी लगाएं, ग्लासेस भी, ग्लासेस।
तने तने नो फातिमा इधर इधर उसका मोबाइल ले गया इधर तो आप जी अफ्तारी का टाइम होने वाला है तो मैंने सब चीज़ें दस्तरखान पे रख दी हैं और करते हैं अब अफ्तारी। और ये है जी अफ्तारी के बाद का टाइम जिसमें बर्तन ढेरों में ढेर इकट्ठे हो जाते हैं, तो अब इन बर्तनों को वॉश कर लेते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपने व्लॉग का करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। दोबारा सुना, चलते हैं दबे पाँव की कोई जात न जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है। होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है।